हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आईपीएल से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के बारे में। जैसा कि आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है, ऐसे में आईपीएल की सभी टीमों ने अपने खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल कर चुकी हैं और सभी टीमों के स्कॉट्स आ चुके हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब टीम के स्कॉट्स के बारे में। पंजाब टीम ने कौन से खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया, इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी लोग को दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको पंजाब टीम से और क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स देते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब टीम के बैटिंग सेक्शन के बारे में। जैसा कि बैटिंग सेक्शन में पंजाब टीम ने पहले ही मयंक अग्रवाल को रिटेन कर लिया था ऑक्शन से पहले 12 करोड़ रुपए में। इसके अलावा पंजाब टीम ने प्रेरक मनकट को भी 20 लाख रुपए में अपने टीम में शामिल किया। और इसके अलावा श्रीलंका के बैट्समैन भानुकर राजपक्षा को भी पंजाब टीम ने अपने टीम में शामिल किया 50 लाख रुपए देकर। ये पहली बार अनसोल्ड हो गए थे, पर दूसरी बार पंजाब टीम ने इनको भी शामिल कर लिया अपने टीम में। इसके अलावा शाहरुख खान जैसा कि ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, पर इनको हम बैटिंग सेक्शन में रखेंगे क्योंकि अभी ये गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, पर ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, 2 से 3 ओवर गेंदबाजी भी करके देंगे पंजाब टीम को। शाहरुख खान को पंजाब टीम ने 9 करोड़ रुपये में दिया और पिछली बार भी शाहरुख खान पंजाब टीम से ही खेले थे। इसके अलावा शिखर धवन को पंजाब टीम ने 8 करोड़ 25 लाख रुपये देकर अपने टीम में शामिल किया। और जहाँ तक अपडेट्स आ रही है, पंजाब की टीम इनको अपना कप्तान भी घोषित कर सकती है आईपीएल 2022 में। इसके अलावा विकेट कीपर सेक्शन में देखो तो विकेट कीपर सेक्शन में पंजाब टीम ने जॉनी बेस्टो को 6 करोड़ 75 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। और बैकअप विकेट कीपर के रूप में जितेंद्र शर्मा को 20 लाख रुपए देकर और प्रभसिमरन सिंह को 60 लाख रुपए देकर। प्रभसिमरन सिंह पिछली बार भी पंजाब टीम में थे, इस बार भी पंजाब की टीम फिर से इनको अपने टीम में शामिल की। और इसके अलावा गेंदबाजी सेक्शन में देखें तो गेंदबाजी सेक्शन में पंजाब टीम ने अर्शदीप सिंह को पहले रिटेन कर लिया था 4 करोड़ रुपए में। इसके अलावा ऋतिक चटर्जी को भी पंजाब टीम ने 20 लाख रुपए देकर लिया। इसके अलावा संदीप शर्मा को भी पंजाब टीम ने 50 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा नेथन एलिस पिछली बार पंजाब टीम से खेले थे और पहली बार अनसोल्ड हो गए थे आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, पर दूसरी बार जैसे इनका नाम आया इनको भी पंजाब टीम ने 75 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा वैभव अरोड़ा को भी पंजाब टीम ने 2 करोड़ रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा ईशान पोरेल को भी 25 लाख रुपए देकर पंजाब टीम ने अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा राहुल चहर पिछली बार मुंबई इंडियंस से खेले थे, पर इस बार पंजाब टीम ने इनको अपने टीम में शामिल किया पूरे 5 करोड़ 25 लाख रुपए देकर। इसके अलावा पंजाब टीम को गेंदबाजी सेक्शन में लीड करेंगे कगिसोर अबाड़ा को पंजाब टीम ने 9 करोड़ 25 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन में पंजाब टीम ने बेनी होवेल इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ये भी पहली बार अनसोल्ड हो गए थे पर दूसरी बार इनका नाम आया, तो पंजाब की टीम इनको भी अपनी टीम में शामिल कर ली 40 लाख रुपए देकर। इसके अलावा बलतेज सिंह को भी पंजाब टीम ने 20 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा अंश पटेल को भी पंजाब टीम ने 20 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। और इनके सबसे बड़े ऑलराउंडर जिनको सबसे बड़े प्राइस में पंजाब टीम ने अपनी टीम में शामिल किया, लियम लिविंगस्टन को पंजाब टीम ने 11 करोड़ 50 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। और पंजाब टीम की तरफ से आईपीएल 2022 की सबसे बड़ी बोली यही थी 11 करोड़ 50 लाख रुपए की। इसके अलावा ऋषि धवन को भी पंजाब टीम ने 55 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा अथर्व ताइडे को भी पंजाब टीम ने 20 लाख रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। इसके अलावा ऑलराउंडर सेक्शन में एक सरप्राइज दिखेगा ओडेन स्मिथ को पंजाब टीम ने 6 करोड़ रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। ओडेन स्मिथ को जो नहीं जानता रहेगा, पर अगर वो इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज़ का जो हाल ही में ओडीआई सीरीज़ हुआ अगर वो देखे रहेंगे तो आप जानते रहेंगे, उसमें इन्होंने सेकेंड और थर्ड ओडीआई में कितनी अच्छी गेंदबाजी की, ऐसे में इनका नाम चर्चे में आ गया था। इसके अलावा ये सीपीएल में भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी किए थे और बल्लेबाजी भी किए थे और उसकी वजह से काफ़ी चर्चे में थे, तो पंजाब टीम ने इस चर्चित खिलाड़ी को भी अपने टीम में शामिल कर लिया। इसके अलावा हरप्रीत बराल भी पिछली बार पंजाब टीम से खेले थे और इस बार भी पंजाब टीम ने इनको अपने टीम में शामिल किया 3 करोड़ 80 लाख रुपए देकर। इसके अलावा अंडर-19 के स्टार और फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच राज बावा को भी पंजाब टीम ने 2 करोड़ रुपए देकर अपने टीम में शामिल किया। तो ये पंजाब टीम की कुल 25 खिलाड़ियों की लिस्ट थी और पंजाब टीम के पर्स में अभी भी 3 करोड़ 45 लाख रुपए हैं। अगर और भी खिलाड़ियों को लेना तो पंजाब की टीम और खिलाड़ियों को भी ले लेती 25 के ऊपर, पर मैक्सिमम 25 से खिलाड़ी ले सकती है कोई भी टीम। इसके अलावा पंजाब टीम के पास 25 में से कुल 18 इंडियन खिलाड़ी हैं, 18 भारतीय खिलाड़ी हैं और ओवरसीज खिलाड़ियों में देखिए तो 8 होते हैं मैक्सिमम, पर पंजाब टीम ने 7 ही ओवरसीज खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया है, जो इस बार अच्छा लग रहा है क्योंकि पंजाब टीम में हर साल ओवरसीज खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, पर इस साल पंजाब टीम ने ऑलमोस्ट ज़्यादा ही, मतलब कह नहीं सकते, फिर भी 8 में से 7 खिलाड़ियों को तो रखा ही अपने टीम में।
तो ये कुल 25 खिलाड़ियों की लिस्ट थी पंजाब टीम की, और ओवरऑल देखा जाए तो पंजाब की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है आईपीएल 2022 में। पर कुछ कहा नहीं जा सकता, बेंच और पेपर पे तो सभी टीम स्ट्रॉन्ग दिखती है, पर आईपीएल 2022 जब शुरू होगा तब देखते हैं कौन सी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी चाहिए खिलाड़ियों से। अच्छे खिलाड़ियों को आप शामिल किए अपनी टीम में, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखते हैं पंजाब की टीम कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है और एटलीस्ट एक ट्रॉफी तो ला के देगी अपने फैंस के लिए, क्योंकि वो भी कितने साल से इंतजार कर रहे हैं कि पंजाब की टीम कब एक ट्रॉफी ला के देगी। तो हो सकता है इस बार कुछ कमाल करके दिखाए पंजाब की टीम अपने फैंस के लिए और अपने लिए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी पंजाब टीम के और क्रिकेट के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।